नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। शिक्षक भर्ती जल्दी पूर्ण हो इसके लेकर शिक्षा मंत्री अर्थात जो रविंद्र चौबे जी हैं नए शिक्षा मंत्री, उसको ज्ञापन दिया जा रहा है। हम इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही साथ हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, जिसमें नए शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी के निवास स्थान का घेराव जो है जल्दी शिक्षकों की भर्ती हो इसके लिए किया जा रहा है, पूरे विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले देखिए, ये जो आपको एक प्रेस विज्ञप्ति, एक ज्ञापन जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रति माननीय श्री रविंद्र चौबे जी स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विषय शिक्षक भर्ती 2023 में शीघ्र नियुक्ति के संबंध में ये जो ज्ञापन है वो दिया गया है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती 2023 में व्याख्याता संवर्ग की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, तथापि शिक्षक व सहायक शिक्षक की अब तक काउंसलिंग की तिथि विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है। सभी अभ्यर्थियों की अभिलाषा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी अपने पदांकित शाला में उपस्थिति दें। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि शिक्षक व सहायक शिक्षक की काउंसलिंग भी शीघ्र करवाने तथा 15 अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें। तो देखिए साथियों, जो है जल्द से जल्द शिक्षक की भर्ती हो, 12,489 पदों पर 15 अगस्त से पहले नियुक्ति हो जाए, इसी को लेकर जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वे आज नए शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी के निवास स्थान का घेराव किए हैं। इनका सीधा मैं वीडियो की ओर, वीडियो क्लिप की ओर आप सभी को ले चलता हूं। देखिए एक वीडियो क्लिप। शिक्षा के अभ्यर्थी आज बड़ी संख्या में है, जो शिक्षा मंत्री हैं रविंद्र चौबे उनके बोलने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इनकी संख्या है, युवतियां भी हैं, लड़के भी हैं। उनसे सीधे जानते हैं क्या कुछ मांगे आप, क्या आज शिक्षा मंत्री घर पहुंचे आप। 2 जुलाई मतलब रिजल्ट आ चुका है, लेक्चरर का काउंसलिंग हो चुका है, उसके ऊपर हमारा शिक्षक सहायक काउंसलिंग का कोई मैंने लेट लतीफा दिख रहा है, उसी के हम लोग ज्ञापन हाथ देने के लिए आए हैं। तो मांगे क्या क्या है आप लोगों को, मुख्य मांगे क्या क्या है, क्यों आए आप लोग यहाँ पे? जल्दी से जल्दी हमारा काउंसलिंग हो और नियुक्ति हो गया। 15 अगस्त से पहले बोल चुके हैं सीएम महोदय, और हो सके तो जल्दी से जल्दी हमारा नॉमिनिंग वगैरह वगैरह मिल जाए। लेकिन जब रायपुर में हमारा जब सत्यापन हुआ तो उस समय रायपुर डीओ द्वारा हमको जो है पात्र कर दिया गया। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट चले गए, तो हाईकोर्ट के डबल बेंच में हम लोग जो है 10 फरवरी को हमारा जो फैसला है पात्र करके नियुक्ति देने के लिए। तब से हम लोग जो है विभाग के चक्कर काट रहे हैं, 20 से 25 बार हो गया। तो आप लोगों का जो है नियुक्ति के प्रोसेस चल रहा है, लिस्ट बन रहा है, जल्द हो जाएगा ऐसा करके बोला जा रहा था, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आने वाले महीनों में आचार संहिता लग जाएगी, आगे तब क्या क्या तब क्या करेंगे आगे? आप लोग लगातार आ रहे हैं, मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे आप? सर, अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे।